नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं शेयर कर रही हूँ यूपी बिहार का प्रसिद्ध सन्नाटा रायता की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे एक कटोरी दही। और यहाँ पे हमें दही को अच्छे से फेंट लेना है, तो एक विस्कर या चम्मच की सहायता से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। दही को फेंटना बहुत ज़रूरी है। और जिस कटोरी से हमने दही लिया है, उसी कटोरी से एक कटोरी पानी लिया है, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसे छाछ से भी बना सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा कटोरी बूंदी, इसे भी मिला लेंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले। उसमें लिया है मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डालिएगा कम और ज़्यादा। और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, इसे भी मिला लेते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। गर्मियों के लिए ये बहुत अच्छा ड्रिंक है। तो अभी हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बूंदी अच्छे से इसमें फूल जाए। तब तक हम एक तड़का बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दिया लिया है, उसे गैस पे चढ़ा दिया है। अगर आपके पास दिया नहीं है तो आप तड़का पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिए में तड़का लगाने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है तो उसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, और 1/4 चम्मच यहाँ पे हम हींग डालेंगे। दोनों को अच्छे से क्रैकल होने देंगे, उसके बाद हम ये दिए को रायते में डालेंगे। मिट्टी का दिया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है रायते में। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने दिए को रायते में डाल दिया है। मिक्स कर देंगे इसे और इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। तब तक दिए का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाएगा। तो 10 मिनट बाद हम रायते को देखते हैं। यहाँ पे अभी हम दिए को निकाल लेंगे, क्योंकि जितना फ्लेवर इसका आना था वो रायते में आ चुका है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची और प्याज डाल रही हूँ, तो टेस्ट भी बढ़ जाता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। प्याज को गर्मी में ज़रूर खाना चाहिए। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्याज अगर डालेंगे तो रायते का टेस्ट भी बढ़ जाता है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए, यहाँ पे रायता बनके रेडी है। मैंने इसे एक बाउल में सर्व कर लिया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।